आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही पनीर की रेसिपी। तो ये मैंने बनाया है शाही पनीर, और घर में जो भी इंग्रेडिएंट आपके किचन में है उसी में ये शानदार शाही पनीर बन जाएगा, और स्वाद तो ऐसा है कि बस रेस्टोरेंट से भी बढ़िया ही बनने वाला है। तो आप जरूर से देखिए, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल विदान किचन इंदौर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए बनाते हैं शाही पनीर। हाय फ्रेंड्स, मैं विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम घर पर बनाएंगे शाही पनीर, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का यूज करते हुए बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्याज है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक है, और फ्रेश पनीर है, और एक टमाटर है। तो इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम बनाएंगे शाही पनीर। बस एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म करना है। तो चूल्हा ऑन है और कढ़ाई भी गर्म है। इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, आपको जो भी ऑयल पसंद हो, जो भी फ्लेवर का आप यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है एक इलायची, एक लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, और आधा चम्मच जीरा, इसे ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें से हल्की खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से क्रैक होने देना है ऑयल में सभी मसालों को। यहाँ पर जीरा और खड़े मसाले अच्छे तरीके से चटकने लगे हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो 4 से 5 कलियां लहसुन है, और साथ ही प्याज ऐड करेंगे, अदरक, और इन सभी को हम हल्का रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमें रोस्ट करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है, जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा हल्दी, नमक हमें कम ही ऐड करना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे ढककर के 2 मिनट तक हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो फ्लेम को लो रखेंगे। यहाँ पर टमाटर प्याज गल गए हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, और आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। ये अब ठंडा हो गया है तो इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे ग्राइंडर जार, और इन सभी चीजों को हम इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बना हुआ है। तो इसे बहुत ज्यादा महीन पेस्ट बनाना है, अगर जरा सा भी दरदरा है तो इसे हम छान लेंगे। तो इसे हम साइड करते हैं और शाही पनीर का हम तड़का लगाते हैं। वापस से उसी कढ़ाई का यूज करेंगे हम, और 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। फ्लेम को बहुत ज्यादा लो रखना है हमें, और अब इसी
में हम इसे ड्रेन करेंगे। जो कि पेस्ट हमने तैयार किया है डायरेक्ट मैं इसे ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से ड्रेन कर लेंगे। जितने भी बड़े चमचे वो ऊपर आ जाएंगे, उन्हें हमें ये दूर करना है। और जो पेस्ट है वो कढ़ाई में चला जाएगा। ऐसा प्रोसेस करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका शाही पनीर बहुत ज्यादा रिच बने और क्रीमी बने, अदरवाइज आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हमने सारा ड्रेन कर लिया है और इसका हम यूज नहीं करेंगे, इसे हम साइड में कर देते हैं। अब इस ग्रेवी को अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे, 2 पिंच के करीब। थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे ताकि शाही पनीर में हल्का सा मिठास बना रहे। और थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो अलग से धनिया जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच घर का दूध का मलाई निकला है, जो फ्रेश मलाई होता है ना, क्रीमी सा, बस 2 चम्मच ही हम इसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास मार्केट का क्रीम है तो आप वो यूज कर सकते हैं, मगर घर की मलाई से काम हो जाता है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मलाई ऐड करने से शाही पनीर में काफी रिचनेस आता है और ये बहुत ही ज्यादा यमी और टेस्टी बनता है, साथ ही दिखने में भी काफी यमी लगता है। अब इस ग्रेवी को हम 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और लो फ्लेम में ही इसे हम बॉईल करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें बॉईल आ गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है। और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी है और ऐसे ही हमें चाहिए शाही पनीर में। अब हम एक एक करके शाही पनीर में पनीर को ऐड करेंगे। तो जितनी ग्रेवी हो, ग्रेवी में जितना स्पेस हो, आप उतने ही पनीर क्यूब्स ऐड करें, बहुत ज्यादा ऐड ना करें। अब इसे हम मिक्स करेंगे। और इसे ढक करके कम से कम 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है, वो भी लो फ्लेम पर। फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं साइड साइड में इसने ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, शाही पनीर हमारा बनकर के तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा शाही पनीर। तो ये रहा प्लेट जिसमें मैं सर्व करने वाली हूँ और इसे मैं गर्मा गर्म ही सर्व कर दूंगी। ये देखिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी डिलीशियस शाही पनीर। तो रेस्टोरेंट से भी बढ़िया शाही पनीर है और आप भी इसे घर पर बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। शाही पनीर बनकर के तैयार है, घर के कम से कम इंग्रेडिएंट्स से ये बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और टेस्टी और डिलीशियस शाही पनीर है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और बना करके टेस्ट कीजिए और फिर कमेंट जरूर कीजिए कि आपका शाही पनीर का रेसिपी कैसा बना। अगर रेसिपी पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और साथ ही ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय, टेक केयर।